एक नारे के साथ में संक्षिप्त में बात करूंगा, क्योंकि सारी बातें मेरे से पहले जो हमारे पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ता उन्होंने अपनी बात रखी। तो नारा बुलंद होना चाहिए, मुझे हौसला मिलना चाहिए, मैं जाके कहूँ दूसरी विधानसभा में कि यदि काम करना है, उत्साह और उमंग को देखना है तो बड़वानी विधानसभा के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी सब लोग सारे जितने फूट ये लोकतंत्र है, फूट भी रहेंगे सब रहेंगे, सारे लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद कि जिताओ कैंडिडेट कौन है। तो बड़े नेताओं ने मुझे ये कहा कि पोरलाल जी अभी तक इतने व्हाट्सएप मैसेज, इतने मेल, इतने फोन किसी भी कैंडिडेट की सिफारिश के लिए नहीं आए। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के भावनाओं के का सम्मान किया और वक्त की नजाकत को समझ रही पार्टी कि यदि खरगोन लोकसभा को हमको जीतना है तो एक नौजवान युवा जो किसान का बेटा है, खुद मजदूरी किया और प्रशासनिक क्षेत्र में 20 साल तक की सेवा दी है, क्योंकि मैं जीएसटी का ऑफिसर रहा, व्यापारियों की समस्या को समझते हैं और हमारे जो एक सामाजिक ताना बना है, क्योंकि मुझे बचपन से समाज का काम करने का शौक है, तो चाहे किसी भी पंथ समुदाय धर्म का व्यक्ति हो, उनको साथ में लेके चलने की क्षमता एक नौजवान युवा रखता है और पार्टी ने उन सब की कद्र करते हुए उम्मीदवार बनाया। लेकिन ये उम्मीदवार बना देना असली परीक्षा अब खड़ी होती कार्यकर्ताओं, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर जीत हासिल की बड़वानी विधानसभा और हम राजेंद्र मंडोई जी के लिए जब कॉलेज में पढ़ते थे तब चुनाव प्रचार करते थे गोले के मंदिर में, तो ये वहां से संघर्ष चालू करके आज एक मजबूत विधायक अपनी विचारधारा और कार्यशैली आप लोगों ने इनको जिताया।
हम जानते हैं, प्रचार में भी आए, इनकी रणनीति में शामिल, टिकट से लेकर जीतने की सारी रणनीतियों में, सारी चीजों में शामिल। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो संघर्ष किया है किसके सामने? सुबल के सामने। किसके सामने? बाहुबल के सामने। किसके सामने? डर के सामने। लेकिन डरे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, और सत्य के साथ में रहे। तो पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया। आखिरी बात करके मैं बात को खत्म करूंगा। अब कार्यकर्ताओं की असली परीक्षा थी अब चालू होती है, क्योंकि पार्टी ने एक ऐसे नौजवान साथी को अपने लोगों के बीच में लाए जिनको यदि ये दाव पे इसके उसके की बात करें तो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन ईमानदारी शून्य से शिखर तक हर फील्ड में पहुंचने की जो मेरी एक इतिहास है या उसके पीछे का जो राज है वो सिर्फ ईमानदारी और मेहनत। और चूंकि मुझे पद प्रतिष्ठा नाम पैसा कुछ नहीं चाहिए, और परिवार मेरा बड़ा हो गया, देश के लोग मेरा परिवार है, और इंसान मेरा भाई है, बहन, माता, पिता, काका, जो भी रिश्ते आप बुला सकते हैं। इसलिए मैंने सेतवा में रहने का निर्णय किया। मेरे माता पिता इंद्रियापानी में रहते हैं, मेरे बच्चे उस इंदौर में रहते हैं, लेकिन मैं अकेला सेतवा में इसलिए रह रहा हूँ कि मेरा परिवार अब बड़ा हो गया, और उस नौजवान साथी को जिताने की जवाबदारी आप लोगों के ऊपर। जो चुनाव जीते जाते हैं मैनेजमेंट जीते, और मैनेजमेंट यदि सबसे अच्छा पूरी लोकसभा में है तो बड़वानी नहीं। इस नौजवान साथी को है, और हमको एक नारे के साथ नहीं चलता, जैसे आपने बोला ना कि खरगोन बड़वानी का एक ही लाख कोरला, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि घर घर में सांसद बने, कार्यकर्ता कार्यकर्ता सांसद बने। इसका मतलब ये है कि वोट की ताकत देके लोकतंत्र में मुझे विजय श्री दिलाएंगे तो मैं एक एक कार्यकर्ता की आवाज बन के काम करने के लिए खड़ा हूं। वो अलग अलग वर्ग की बात है, वर्ग में अब जाति पाति की बात नहीं कर रहा हूं। विद्यार्थी वर्ग है हमारा, मजदूर वर्ग है हमारा, किसान वर्ग है हमारा, व्यापारी वर्ग है, ये जो वर्ग है उस वर्ग को मैं स्टडी कर रहा हूं बचपन से ही। जितना मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे यदि बात रखने की जरूरत पड़ी तो ये कोरलाल खंड सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा है, रिसर्च टीम हम लोगों के साथ में लगी हुई, और रिसर्च के बेस पे, डाटा के बेस पे हम मुद्दों को लेकर चुनाव में भी जा रहे हैं, और मुद्दों की लड़ाई जिस भी प्लेटफॉर्म में रखने की जरूरत पड़ी, पार्लियामेंट में जहां रखने की जरूरत पड़ी, पूरी ताकत के साथ में आपकी आवाज बन के में खड़े रहने की जिम्मेदारी आप लोगों के बीच में लेंगे। और लगते आपको बनना है, राजे मिलने आपको बनना है, और हमको चुनाव जीतना है राहुल गांधी के सम्मान, हमको चुनाव जीतना है जीतू पटवारी जी के सम्मान। मैं और ज्यादा नाम नहीं गिर रहा, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का चाहे देश का और दोनों जिले का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए हम लोग कार्यकर्ताओं को जुटना है, मतदान के केंद्र केंद्र तक, मतदाता तक हम लोगों को पहुंचना है। हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने विधानसभा में जो एक पहुंच और पकड़ बनाई है उसको बरकरार रखना है। छोटी मोटी नाराजगी कहीं से भी हो सकती है, लेकिन नाराजगी की वजह को जानना है, उस नाराजगी को दूर करना है, और हमारे समर्थन के जितने भी मतदाता है 100% मतदान में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारे लिए चैलेंज। दूसरी बात, कोरला खत्ते के नाम कि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अपने नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी वोट करेंगे, इसलिए कि हम शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हम पानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हम रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। इनके जैसे भ्रमित करने वाले लोग हम नहीं है, ईमानदारी और सत्य पे चलने वाले लोग हैं, और इसीलिए मैंने भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और 60 टर्म में पार्टी ने मेरी भावना को समझा और उम्मीदवार घोषित किया है, तो हम चुनाव जीतेंगे। सिर्फ बड़वानी के मतदाताओं के बीच में हम नहीं कह रहे, पूरी लोकसभा में हम घूम रहे। ऐसा नहीं कि मैं 6 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की और मैं क्षेत्र को अभी जा रहा हूं, बचपन से मेरी घूमने की आदत है, लोगों के बीच में जाने की आदत है, पूरे इलाके में जुनून, पूरे इलाके में उत्साह है। तो आप लोगों के विश्वास के लिए, आत्मविश्वास के लिए, जुनून और जज्बात के लिए मैं कह रहा हूं कि जो लीड आप यहां लेने की बात कर रहे हैं
हर विधानसभा के कार्यकर्ता ये मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि हम हो सकता है विधानसभा हार गए लेकिन 8 विधानसभा में लीड दिलाने के बाद कार्यकर्ता कर रहे हैं, ऐसा माहौल मेरे जीवन काल में मैंने नहीं देखा। तो ये चुनाव हम जीतेंगे, ऐतिहासिक रूप से जीतेंगे और एक तो उम्मीदवार हमारे सामने खड़ा है, कॉलेज की राजनीति के साथ में जो लोग उनको जानते हैं उनकी क्या कमियां क्या मजबूतियां है ये हम लोग ठीक से जानते हैं। जो व्यक्ति 5 साल में एक गांव में 5 बार नहीं पहुंच पाया उस व्यक्ति को कैसे हम दोबारा वोट करने के लिए लोगों को कहेंगे, तो ये उनके कार्यकर्ता जानते हैं। तो साथियों लंबी बात न करते हुए अपनी बात को पुनः में आप लोगों का आप लोगों ने मेरे टिकट के लिए जितने भी लोगों ने प्रयास किया, दूसरी जो बात विश्वास की कि ये 5 हमारे जीते हुए में और 3 हमारे कैंडिडेट जो किसी कारण से चुनाव हार गए, हम उन लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो लोकसभा के जो बड़े नेता वो चुनाव लड़े हो या ना लड़े हो लेकिन उनका पूरा आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर है। दूसरी जो बात है इस लोकसभा का जो सामाजिक ताना बाना उस सामाजिक ताने बाने के साथ में भी चुनाव हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जो विश्वास पार्टी ने हम पे जताया कार्यकर्ताओं पे जताया तो मैं आप लोगों का जहां से जो मेरे लिए लाभिक हुई और जो कैंडिडेट बने, एक और मजेदार था जितने कैंडिडेट बने हैं मैंने 1-to-1 बात की, जैसे दादा बता रहे थे ना कि आपको टिकट मिलेगा तो ये पूरलाल खरते जितनी हस्ती और बस्ती है तन मन धन के साथ में आपके साथ में खड़ा है। प्रयास करना मेरा काम है, छोटा सा एक संघर्ष है पार्टी में, यदि पार्टी विश्वास कर ले तो ठीक बात है आपका पूरा सहयोग चाहिए, यदि नहीं विश्वास करती है तो आपकी जिताने की जवाबदारी हम ले लिए पूरे हमारे जितने कैंडिडेट के साथ 8 कैंडिडेटों से हमारी बात, तो वो कैंडिडेट भी हमारे साथ में तन मन धन के साथ ठीक है, वो भी हमारे बीच में बहुत सारी चीजें रहती चुनाव हारने में जीतने के, लेकिन मैं जितने फोन लगाऊं ज्यादा फोन मेरे पास में डॉक्टर बोल जाता था। तो ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और सबके बीच में सामंजस्य बिठाने की क्षमता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों का एक आभार भी करता हूँ और दूसरा आप लोगों के उत्साह से मेरी हिम्मत और ताकत और बढ़ रही है और राजेंद्र मुंडे जी और पूरी यहाँ की जो बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी के बाहर जाकर बात करने में ठीक में कभी भी जरूरत नहीं करूँगा। जब कार्यकर्ता याद करेगा या कार्यकर्ता के साथ में जिस भी रूप में खड़े होने की बात प्रयास क्या बोला भाई यहाँ आने की जरूरत नहीं, एक तो ये बात और मेरी मोहब्बत भी बढ़वानी ऐसी मोहब्बत पढ़ाई यहाँ की मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बड़वानी के जो लोग हैं दादा बड़वानी के लोगों का मैं ऋण कभी नहीं जिंदगी भर नहीं लगा देखिए मेरे बड़वानी के लोगों का बहुत बड़ा एहसान। एक तो डॉक्टर भूमि खंडेलवाल उन्होंने महाजन स्टोर पे मेरे नाम पे अकाउंट खुलवाया था स्टेशनरी के लिए, एक होशियार मनहार लड़का है लेकिन इसके पास में स्टेशन मैंने एक ड्रेस भी निकाले थे जितने भी स्पोर्ट्स में था इसलिए जूते चप्पल मिल जाते थे और जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसे स्टेशनरी और जो भी मेरा था और 2 महीने की छुट्टी पे मैं मजदूरी करता था और 8 घंटे नहीं 16 घंटे एक नंबर देता था। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेरे गुरु जी लोग चाहे गुप्ता साहब है चाहे शाठी साहब नहीं रहे दुनिया में चाहे यादव साहब है चाहे दोनों यादव एक तो जितने भी गुप्ता साहब हैं जितने भी बहुत बड़ा योगदान है तो उन्होंने मेरे नाम से खाता खुलवाया महाजन स्टोर कि कोरलाल खरते को कोई भी स्टेशनरी की जरूरत हो तो इनको दे देना और खाते में चढ़ा देना इसका काम भी नहीं और मेरा मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ मुझे किसी का दिया हुआ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है उसको लौटाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने बोला कि भैया थोड़े दिन तक विश्वास बनाया मैंने जैसा मेरा नेचर विश्वास बनाने के बाद मैंने बोला कि भैया आपने सर के नाम से अकाउंट खोल दिया एक अकाउंट यदि मेरे पे विश्वास करें तो कोरलाल खरते के नाम से खोल दीजिए मैं बहुत ज्यादा पैसा इनका नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने विश्वास किया और मेरे नाम से कोरलाल खरते के नाम से खाता खोल दिया। मैंने बोला जब भी पैसा आएगा मैं लौटाऊंगा मैं बहुत ईमानदार मेरे पिताजी का कर्जा था मैंने तो खाता खोल दिया। फिर 11 साल बाद में आता नौकरी करने और मैंने कहा कि भैया वो आपका अकाउंट निकालिए कौन मैंने कहा
जिसकी जिसका एहसान मेरे जीवन पे, तो खाता नहीं मिला। हमने कहा यार 11 साल में कौन सा खाता, कौन से खाते, नहीं हमको नहीं मालूम। मैंने कहा खाते भी रखे हैं पुराने, आप मुझे मालूम है जितना ही किए होंगे, लाल कपड़ा जो है वो निकालिए और देखिए पूरा खाते का खाता। तो जितना भी पैसा था तो मैंने कहा कि ब्याज कितना है, उन्होंने कहा ब्याज तो हम नहीं लेंगे और ये पैसा भी नहीं। मैंने कहा नहीं, आपने मुझे मदद की और मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो ये बहुत बड़ा एहसान है, लाखों करोड़ों रुपए का एहसान। मैं पैसे में काउंट नहीं कर सकता, आप तो ये पैसे रखिए। तो उन्होंने बहुत मना करने के बाद में मेरी जीत को स्वीकार किया। पैसे रखने के बाद में 101 रुपये वापस निकाल के लिए, बोरलाल जी ये पैसे नहीं है, ये फूलेंगे फूलेंगे आप जीवन में बहुत उन्नति। तो मेरी बात को खत्म करता हूँ। दादा ने आग्रह किया इसलिए मेरे पास अपनी बात बता दी। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे ऐसे मेरे वाकया कि मैं घंटों इस पे बात कर सकता हूँ, पिक्चर बन सकती है हम लोगों के लिए। लेकिन मैं मेरी व्यक्तिगत बात बीच में दादा नहीं लाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम जीते और ऐतिहासिक मौकों से जीते और उसमें कार्यकर्ताओं का एक बड़ा रोल होगा। तो मैं आपकी नारा लगा के अपनी बात को खत्म करता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।